नमस्कार, मैं हेमंत और आप देख रहे हैं SN24। रुक कर लेते हैं अभी तक के हम खबरों पर। छत्तीसगढ़ में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में एक अच्छी खबर निकलकर सामने आई है। कई सालों से विकास की आस लगाए बैठे ग्रामीणों ने इस बार एकजुट होकर एक 21 वर्षीय नवयुवक के ऊपर विश्वास जताया है। ग्रामीणों का मानना है जो अन्य सरपंच नहीं कर पाए उसे यह नवयुवक सरपंच करके दिखाएगा। जांजगीर चांपा जिले के डभरा जनपद पंचायत क्षेत्र के ग्राम बसंतपुर में इस बार नौ युवक 21 वर्षीय रविशंकर पटेल को गांव के महिला और पुरुष ने गांव का अच्छा विकास हो इसके लिए इस युवक को चुना है। सबसे बड़ी बात है इस गांव में पिछले कई वर्षों से विकास के नाम पे इस गांव में भोले भाले मासूम लोग ठगे गए हैं। प्रधानमंत्री की सबसे बड़ी योजना प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ इस गाँव के एक भी व्यक्ति का नाम नहीं है। सरकारी डाटा के अनुसार इस गांव के गरीब लोगों का नाम ही गायब है और अन्य कई समस्याएं से भी लोग परेशान हैं। सबसे बड़ी बात है कि यह गांव जनपद मुख्यालय से महज 2 किलोमीटर की दूरी पर है, इसके बावजूद भी यहां पर समस्याएं बनी हुई है। पूर्व में जितने भी जनप्रतिनिधि आए और चले गए, लेकिन गाँव के लोगों की तस्वीर उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो पाया। कई तरह के मूलभूत सुविधाओं से भी वंचित इन सब समस्याओं को इस युवक ने खुद करीब से देखा। इन सब बातों से प्रभावित होकर पढ़ाई छोड़कर सरपंच बनने को सोचा और सरपंच बना। ज्यादातर इस गांव में लोग मेहनत का समाज मरार पटेल, माली समाज, अन्य गरीब तबके समाज से जुड़े लोग हैं, जो कि साग सब्जी उगाकर मजदूरी कर अपने परिवार का पेट पालते हैं। अब आने वाले समय में इस युवक ने लिए चुनौती होगी गाँव के लोगों के भरोसे में खरा उतरने की। नवयुवक लड़का के सरपंच चुने गए हैं। हमारे गांव के विकास नहीं होते रही से हमारे गांव के विकास करवाना चाहते हैं हमन। और 5 साल से लड़का सरपंची चला ही और हमें इतना उम्मीद है कि हमारे गांव के विकास हो ही। और विकास में जितना नवयुवक लड़का एक साथ दी ही आगे चल के हमार जो बच्चा मन पिछड़ा हो गए रही है हमन आगे निकल ही। पढ़े लिखे में बहुत कमजोर निकलत रही है, ओकर मदद करी हमारे सरपंच साहब है। और जो जितना महिला मन पीछे जा रही हैं घर से चूल्हा चौका से बाहर नहीं निकल रही हैं वो लड़ आगे निकालना चाहत हैं हमन। हमारे सरपंच साहब हमन के मदद करी और आगे चल के हमारे जो भी जितना जो काम रुके है ओला सब ला आगे करके निकालत जही हमारे सरपंच। और गीता भाई पटेल मो ना है, मोला सरपंच बनी तो बहुत खुश हाँ। और गांव के महिला मन सब 7 दिन है। अभी कम से कम प्रॉब्लम है बसंतपुर में आवास योजना के, एकर लिए हमन रवि पटेल जी ल चुने हन। और बहुत ही अच्छा लड़का है और बहुत ही विश्वास के साथ बोले चुने हन और वह हमार विश्वास में खरा उतर ही। एक लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि पटेल जैसे युवा लड़का हमारा सरपंच पद के लिए मिली। से गांव में कोई समस्या बहुत समस्या है, रोड भी नहीं बन पा है और बिजली भी नहीं लगे है, हर प्रकार की समस्या है और नाली गंदगी पूरा। तो हमारे पटेल जी ला चुने हैं, वो जल्द जल्द हमारे गांव ला उभरता हुआ देखना चाहते हैं हमारे। तो हमारे पटेल जी है तरीके की उम्मीद है। हमन रविशंकर पटेल ला एखर लिए हमन चुने हैं कि हमारे गाँव बसंतपुर एक ऐसे गाँव जो विकास के नाम पर कुछ भी नहीं है, ओखर लिए हमारे रविशंकर पटेल ला सरपंच बनाए हैं। जो युवा है सबसे कम उम्र शायद डबरा ब्लॉक में तो सबसे कम उम्र हुई 21 साल 7 महीने की युवा सरपंच, वो सरपंच और विकास के विकास कर ही हर है ना। हमने रवि पटेल को इसलिए सरपंच चुना क्योंकि हमारे 10 वर्ष से हमारे ग्राम बसंतपुर में अविकासशील था, विकासशील बनाने के लिए हम लोग ने रवि पटेल को सरपंच चुना है। और हमन हाँ सरपंच जिला इसलिए चुने हन कि हमारे गांव के विकास तो अक्का दिल होत नहीं रही से। और जो भी सांस्कृतिक कार्यक्रम में सब में भागीदार बनत रही सहयोग करत रही से एक लिए हमन इला चुने हन। मोर जो लड़का है अभी सरपंच में बनी से सब नयुवक साथ मन माता मन सब 7 दिन है उखर। मोर लड़का तो कॉलेज फाइनल करे रही से और बीकॉम लेके पढ़े रही से, वहाँ दूर गले भी पुलिस के खर ट्रेनिंग ले भी आगे रही से। मेला मना भी करत रहे कि ते सरपंच झीन बन, हमन सरपंच नहीं बनन, कुछ नौकरी करबो कि कुछ धंधा करबे का अकेला में बोलत रहे। लेकिन यह गाँव के विकास करिया, मोर गाँव बहुत पिछड़े हुए है, मोर गाँव में इंदिरा आवास नहीं आते, मोर गाँव कहूँ कर चिन्हार पहचान नहीं होते, कहा करके अपन जिद करके अपन जिद में सब नवयुवक साथ मन ओकर 7 दिन है, माता मन 7 दिन है और विकास की उम्मीद लेकर के यह अपन सरपंच ला जितेन है मन सब। और यह सरपंच पद बनी से
यह विकास हुई गांव के सबके साथ, सबके विकास और सबके साथ हुई यह। लगभग मेरे जानकारी के अनुसार मेरी उम्र कपूरा छत्तीसगढ़ में है, मेरी उम्र 21 साल 7 महीना हुआ है। और इस उम्र में जिस तरह से मेरे युवा साथी और महिला साथी ने मेरा सहयोग दिया और गांव के विकास के लिए एक नवयुवक के रूप में मुझे चुना है, मैं और मेरी पूरी जो युवा टीम है वो बहुत खुश है कि 10 साल से जो हमारा गांव पिछड़ा हुआ था उसे मिलकर आगे लेकर जाना ही सोच के साथ पूरा युवा टीम और साथ ही हमारे गांव के जो महिला हैं उन्होंने भरपूर अपना सहयोग दिया है और उनकी आशा को मैं बिल्कुल निराश नहीं करूँगा। 24 घंटे गाँव की सेवा में मैं लगूँगा, मेरे से जितना भी हो पाएगा। गाँव को जो 10 साल पीछे हो गया था उसको डबरा ब्लॉक से छत्तीसगढ़ राज्य में पहले नंबर पर लाने का मेरा प्रयास रहेगा। चाहे वो आवास योजना हो, चाहे वो गली में हो, चाहे शराबबंदी हो, सभी प्रकार के जो गांव में विनाश हो रहे थे उन सब का लाभ जो है गांव में मैं दिलवाऊंगा और गांव के भरोसे पे खरा उतरूंगा। ब्यूरो रिपोर्ट ACN 24।